आप देख रहे हैं दखल न्यूज। G20 समिट में ब्रिक्स की भी अनौपचारिक बैठक हुई। मोदी बोले, आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा। मध्य प्रदेश में मॉब लिंचिंग को लेकर सख्त कानून, जुर्माने के साथ 3 से 6 साल की सजा का प्रावधान। भाजपा विधायक लीना जैन ने अधिकारियों को धमकाया, तो युवा मोर्चा उपाध्यक्ष बैट लेकर मैदान में। आंगनवाड़ियों के हाल खराब, मंत्री लगवाएंगी आंगनवाड़ी में एसी और कूलर। और कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी मां और बहन पर जुर्माना, सरकारी जमीन बेचने का है आरोप। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। जापान के ओसाका में 2 दिवसीय G20 समिट की शुरुआत हुई। G20 बैठक में ब्रिक्स की भी अनौपचारिक बैठक हुई। इसमें भारत, रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पुतिन भी शामिल हैं। ब्रिक्स की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मानवता के लिए आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा है। ये न सिर्फ मासूमों की जान लेता है, बल्कि इसकी नकारात्मकता आर्थिक विकास और धार्मिक सौहार्द को भी प्रभावित करती है। इसमें आतंकवाद को सहयोग करने वाले हर माध्यम पर रोक लगानी होगी। इसके पूर्व समिट में भारत, अमेरिका और जापान के बीच त्रिपक्षीय वार्ता भी हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें भारत अमेरिका के बीच व्यापार, 5G, रक्षा क्षेत्र सहित कई मुद्दों पर बातचीत की गई। मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी की शानदार जीत पर उन्हें बधाई भी दी। पीएम मोदी ने इस पर उन्हें धन्यवाद दिया। ब्रिक्स की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मानवता के लिए आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि अमेरिका से 4 मुद्दों पर बातचीत हुई। इसमें ईरान, 5G, व्यापार और रक्षा क्षेत्र शामिल रहे। इसी दौरान मोदी ने JAI का मंत्र भी दिया। मोदी ने कहा कि जापान, अमेरिका और भारत को मिलकर साथ काम करने की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते बेहतर हुए हैं। विधि मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में मॉब लिंचिंग को लेकर सख्त कानून बनेगा। कानून को अपने हाथ में लेने वालों पर जुर्माने के साथ साथ 3 से 6 साल की सजा का प्रावधान भी होगा। मॉब लिंचिंग को लेकर प्रदेश सरकार अब सख्त रवैया अपनाने जा रही है। विधि मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि मॉब लिंचिंग लेकर सख्त कानून बनाया जाएगा। इस विधानसभा सत्र में मॉब लिंचिंग के कानून को लाया जाएगा। फर्जी गौरक्षक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कानून को अपने हाथ में लेने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 3 से 6 साल की सजा के साथ जुर्माने का भी प्रावधान किया जाएगा। आरोपी के सहयोगियों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। बिजली पर शर्मा ने कहा कि बिजली एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आम जनता, किसानों को बिजली पहुंचे, इसलिए कैबिनेट में चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश के कल कैबिनेट में कमलनाथ जी के नेतृत्व में ये एक बिल आया है जो अगली विधानसभा में आएगा, और उसमें ये जिस तरह से कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने किसानों पर ध्यान दिया, गौ रक्षा पर ध्यान दिया, और गौशालाएं बनाएंगे जिसमें जमीन भी देंगे, अनुदान देंगे। इसके साथ ही गौ रक्षा के नाम से बहुत से दल, बहुत से संगठन जो कानून अपने हाथ में लेते हैं और हत्या या उसको नुकसान पहुंचाने के उसमें लिप्त हो जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए कानून आया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में ले सकता। कार्यक्रम में न बुलाए जाने से नाराज गंज बासोदा से भाजपा विधायक लीना जैन ने अपनी गरिमा को लांघते हुए डायरेक्टर को नौकरी से ही निकालने की धमकी दे दी। जनपद कार्यालय में हुई बैठक में विधायक ने धमकी भरे अंदाज में अधिकारी से कहा कि आप ग्यारसपुर में नौकरी नहीं कर पाओगे। गंज बासोदा विधायक लीना संजय जैन ने ग्यारसपुर के जनपद कार्यालय में हुई बैठक में कृषि विभाग के अधिकारी को धमकाते हुए कहा कि आप ग्यारसपुर में नौकरी नहीं कर पाओगे। प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर लीना जैन ने शिक्षा विभाग और कृषि विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। ग्यारसपुर क्षेत्र में कृषि विभाग के आयोजन की जानकारी विधायक को न देने एवं उसमें पूर्व विधायक को आमंत्रित करने को लेकर विधायक गुस्से में थी। कृषि विभाग के अधिकारी चौधरी को फटकार लगाते हुए विधायक लीना जैन ने कहा कि
आप मेरे अधिकारों का हनन कर रहे हैं। गौरतलब है कि बीज वितरण कार्यक्रम में अधिकारियों ने पूर्व विधायक को बुला लिया, जबकि बीज वितरण करवाया और प्रोटोकॉल के नियमानुसार वर्तमान विधायक की उपस्थिति में ये होता है। लीना जैन का कहना था कि ग्यारसपुर में शिक्षण सत्र की शुरुआत को लेकर आयोजित कार्यक्रम में मुझे नहीं बुलाया गया एवं किसानों को किट वितरण के संबंध में आयोजित कार्यक्रम में भी जानकारी नहीं दी गई, इसीलिए अधिकारी को ठीक तरह से काम करने के लिए नसीहत दी है। कौन कौन उपस्थित था वहाँ पे? जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि, कृषि सभापति प्रतिनिधि और पूर्व विधायक। पूर्व विधायक कैसे अध्यक्ष थे उपस्थित वहाँ पे? प्रोटोकॉल में थे वो? विधायक नहीं था प्रोटोकॉल में? चौधरी जी आप समझ जाइएगा, आप मेरे अधिकारों का हनन कर रहे हैं, आप ग्यारसपुर में नौकरी नहीं कर पाएंगे। कैबिनेट मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने आकाश विजयवर्गीय की बैठ कांड के बाद बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र उजागर हो गया है। बीजेपी राज में बीजेपी के नेता कर्मचारी और अधिकारियों को धमकाते थे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसते हुए कहा कि शिवराज को लोगों की सुरक्षा के लिए पद यात्रा करनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कर्मचारी और अधिकारियों को धमकाने वाला चरित्र उजागर हो गया है। बीजेपी सरकार में प्रदेश बलात्कार में पहले नंबर पर था और कांग्रेस के राज में प्रदेश में अपराधों में कमी आई है। बंगाल में बीजेपी अराजकता का वातावरण पैदा कर रही है। तोमर ने शिवराज पर तंज कसते हुए कहा कि शिवराज को लोगों की सुरक्षा के लिए पद यात्रा करनी चाहिए। इंदौर में घटना घटी है, बताइए सरेआम अधिकारी पिट रहा है, इसका संदेश पूरे सरकारी कर्मचारी देख रहे हैं, क्या जाएगा? भय आतंकित होंगे। मैं तो कहता हूं इसमें और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ। और मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अपील करूंगा कि प्रदेश के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए उनको पदयात्रा करनी चाहिए, उस पदयात्रा में मैं शामिल होऊंगा। तोमर ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस में अंतर है, कांग्रेस में चिंतन करके फैसला होता है। तोमर में मंत्रियों के बीच हुए विवाद को नकारते हुए कहा कि मंत्रियों के बीच विवाद की बात गलत है। तोमर ने अधिकारियों को भी चेताया और कहा कि अधिकारी मनमानी करेंगे उन्हें हटाया जाएगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हाई कोर्ट की युगल पीठ ने जनहित याचिका का जवाब पेश नहीं करने पर पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी बहन चित्रांगना राजे सिंधिया और मां माधवी राजे सिंधिया पर 10,000 रुपए का हर्जाना लगाया है। साथ ही 2 सप्ताह में जवाब पेश करने का आदेश दिया गया है। सिंधिया पर महलगांव हल्के में शासकीय जमीन बेचने का आरोप है। ग्वालियर में उपेंद्र चतुर्वेदी ने वर्ष 2014 में जनहित याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि महलगांव हलके का सर्वे क्रमांक 1211 व 1212 भूमि शासकीय है, इस जमीन को बेचा नहीं जा सकता, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया व उनके ट्रस्ट ने जमीन नारायण बिल्डर्स को बेच दी। बिल्डर ने जमीन पर बहुमंजिला इमारत खड़ी कर दी। उन्होंने मांग की थी कि जमीन की रजिस्ट्री को शून्य घोषित कर मामले की जांच कराई जाए। कोर्ट ने शासकीय भूमि के विक्रय पर सिंधिया परिवार के 3 सदस्यों को जवाब पेश करने का आदेश दिया था, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। कोर्ट ने चेतावनी भी दी थी, लेकिन उसे भी अनसुना किया जा रहा था। उनके वकील बार बार समय ले रहे थे। बुधवार को फिर इस जनहित याचिका की सुनवाई की गई, लेकिन सिंधिया की ओर से कोई जवाब नहीं आया। इसके चलते कोर्ट ने ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य की बहन चित्रांगदा राजे सिंधिया और ज्योतिरादित्य की माता माधवी राजे सिंधिया पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया था और 2 सप्ताह में तीनों को जवाब पेश करने का आदेश दिया है। भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय की तर्ज पर दमोह युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष विवेक अग्रवाल ने भी दमोह नगर पालिका के लेखाधिकारी अनिल गुप्ता को क्रिकेट बैट दिखाकर धमकी दी है। बीजेपी नेता विवेक अग्रवाल दमोह नगर पालिका पहुंचे और उन्होंने लेखाधिकारी के कक्ष में जाकर क्रिकेट का बैट दिखाते हुए धमकी दी कि यदि ठीक से काम नहीं किया तो उन्हें मजबूर होकर विधायक आकाश की तरह इस बैट का उपयोग करना होगा। ये बात खुद विवेक अग्रवाल ने स्वीकार करते हुए बताई। युवा मोर्चा उपाध्यक्ष अग्रवाल का कहना है कि उनके वार्ड में अभी भी ऐसे 36 हितग्राही हैं जिन्हें पीएम आवास की किस्त नहीं मिली है, इस कारण उनकी छतों का स्लैब नहीं डल पा रहा है। कार्यालय में क्रिकेट का बैट लेकर बैठे अग्रवाल की एक फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज़।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। विधायक आकाश विजयवर्गीय द्वारा नगर निगम के अधिकारी की बैट से पिटाई के विरोध में कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। सभी कर्मचारी सुबह नगर निगम पहुंचे, यहां से काली पट्टी बांधकर रैली के रूप में संभाग आयुक्त कार्यालय पहुंचे और उन्होंने ज्ञापन सौंपा। विधायक आकाश विजयवर्गीय के बैट कांड के खिलाफ नगर निगम कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है और नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि विधायक के खिलाफ धाराएं बढ़ाई जाएं, इसके साथ ही कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करवाई जाए। बुधवार को भी नगर निगम कर्मचारियों ने मारपीट के बाद काम बंद कर दिया था, जिसके बाद निगम आयुक्त की समझाइश के बाद वे काम पर लौटे। पूरा संभाग आयुक्त कार्यालय नगर निगम के कर्मचारियों से पूरी तरह भर गया था। इस दौरान बारिश भी होने लगी, लेकिन कर्मचारी वहां से नहीं। प्रदेश में चल रही करीब 28,000 आंगनवाड़ी किराए के भवनों में चल रही है, जो कि 8 माह से किराया न मिलने से बंद होने की कगार पे है। लेकिन अक्सर अपने भाषण में गलतियों के कारण विवादों में रहने वाली महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी आंगनवाड़ियों में एसी और कूलर लगाने की बात कर रही हैं। अब मंत्री को कौन बताए कि एसी कूलर लगाने के लिए भवन होना जरूरी है? प्रदेश के मंत्री या तो समझ नहीं रहे या फिर समझना ही नहीं चाह रहे। प्रदेश की महिला बाल विकास इमरती देवी आदर्श आंगनबाड़ियों में एसी और कूलर लगवाने की बात कर रही हैं। शायद उनको पता नहीं है कि प्रदेश भर में चलने वाली करीब 28,000 आंगनबाड़ी किराए के भवनों में चल रही है, जो बंद होने की कगार पर है। मकान मालिकों को 8 माह से किराया नहीं मिला। इमरती देवी को समझाने की जरूरत है कि पहले भवनों का किराया देना जरूरी है, ताकि आंगनबाड़ियों में ताले न लगे। गौरतलब है कि पिछले दिनों किराया न मिलने से नाराज मकान मालिकों ने आंगनबाड़ियों में ताले जड़ दिए थे और बच्चों को धूप में बैठने को मजबूर होना पड़ा था। अधिकारियों को जानकारी देते हुए भी अधिकारी हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं। अधिकारी इसकी सूचना कलेक्टर तक को देना उचित नहीं समझते हैं। एक तरफ आंगनबाड़ियां बंद होने की कगार पर हैं, वहीं मंत्री का आदर्श आंगनबाड़ी में एसी और कूलर लगाना बेईमानी लगता है। कूलर भी लगा सकते हैं, पंखा भी लगा सकते हैं। अच्छा, अगर हमें वो प्रोसेस मिला कि हमारे बच्चे अच्छे बच्चे आ रहे हैं और व्यापारी और दुकानदार और अधिकारी और नेतन के बच्चे आ रहे हैं, तो मैं ऐसी ही व्यवस्था करूंगी। लेकिन उनके माँ बाप को सोचना पड़ेगा पहले कि जो एक ब्लॉक में एक आंगनबाड़ी बनाऊंगी, जब उसकी उपलब्धि मुझे अच्छी दिखाएगी कि हाँ इसमें आप सबके बच्चे आने लगे, तो मैं हर आंगनबाड़ी में अपनी पूरी जिम्मेवारी के साथ मॉडल बना के रखूं। सत्ता की धौंस दिखाकर लाखों की ठगी करने वाले नेता गिरिराज शर्मा को अस्पताल प्रशासन ने गंभीर बीमारी के नाम पर अस्पताल में भर्ती करने से मना कर दिया है। गिरिराज कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया से करीबी बताकर जिला प्रशासन पर दबाव बनाकर रेत का अवैध उत्खनन करता था, फिलहाल उसे जेल भेज दिया गया है। छतरपुर में सत्ता की धौंस दिखाकर ठगी करने वाले शिवपुरी निवासी गिरिराज शर्मा बीमारी का बहाना बनाकर अस्पताल में भर्ती होने आए। डॉक्टर्स ने उसे गंभीर बीमारी न होना बताकर अस्पताल में भर्ती करने से मना कर दिया। गौरतलब है कि पिछले दिनों रेत खदान दिलाने के नाम पर 67 लाख की ठगी करने के आरोप में गौरीहार थाना पुलिस ने गिरिराज को गिरफ्तार किया था। गिरिराज शर्मा खुद को कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी बताकर जिला प्रशासन पर दबाव बनाकर रेत के अवैध खनन में सम्मिलित था। गिरिराज की साजिश उस समय असफल हो गई जब अस्पताल प्रशासन ने उससे गंभीर बीमारी के नाम पर अस्पताल में भर्ती करने से मना कर दिया, जिससे उसे फिर जेल भेज दिया गया। अभी हमने पता लगा मेरे को इमरजेंसी से कि कोई पुलिस की कस्टडी से कोई जिला शर्मा नाम का व्यक्ति आया था और हमारे यहाँ की ड्यूटी डॉक्टर थे, उन्होंने उसको देखा और उनके इन्वेस्टिगेशन कराए, उनके वाइटल्स चेकअप कराए, तो उसमें उनको देखा गया कि कोई बीमारी उनको समझ में नहीं आई इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद। तो उन्होंने जो आम शिकायत थी उसकी दवा लिखी उन्होंने, उसको वापस। नरसिंहपुर में 5 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दुष्कर्म का आरोपी पुलिस में ही कुक के पद पर कार्यरत है।
पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम संतोष मरकाम है। वह एक साल से SAF 6वीं बटालियन में कुक है और नरसिंहपुर में ही पदस्थ है। इसके पास से कपड़े, जूते व अन्य सबूत मिले हैं। CCTV फुटेज में वह घटनास्थल के पास आता दिख रहा था। पुलिस के ही लोगों ने उसकी चाल ढाल देखकर बताया कि ये वही व्यक्ति है। इसके बाद उसे पकड़कर पूछताछ की गई और उसने सभी बात कबूल कर ली। 24-25 जून की दरमियानी रात आरोपी बच्ची का उसकी झोपड़ी से अपहरण करके ले गया था। इसके बाद पीड़ित खून से लथपथ हालत में 25 जून की सुबह अंडरब्रिज के पास एक पेड़ के नीचे मिली। इसके बाद उसे जबलपुर रेफर किया गया था, जहां उसकी इलाज जारी है। इस मामले में लापरवाही पर पुलिस अधीक्षक ने एक आरक्षक को सस्पेंड कर दिया था। जानकारी के मुताबिक बालिका के गायब होने के बाद परिजन देर रात उसकी शिकायत करने पुलिस थाने पहुंचे थे, लेकिन आरक्षक ने उन्हें भगा दिया था। उसके बाद वो जहां बच्ची जहां सो रही थी, बच्ची को वहां से ले जाता है और घटनास्थल जो वहाँ से करीब 700-800 मीटर दूर है, रेल ट्रैक के पास, उसके साथ वहाँ दुष्कर्म किया जाता है। अज्ञात बदमाशों ने गोलियां बरसाकर हरियाणा में कांग्रेस प्रवक्ता विकास चौधरी की हत्या कर दी। विकास चौधरी जिम से आने के बाद अपनी गाड़ी में बैठे थे, इसी दौरान बदमाशों ने उन पर गोलियां दाग दी। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में गुरुवार सुबह सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिए जाने की खबर आई। कांग्रेस प्रवक्ता विकास चौधरी की बीच बाजार हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक फरीदाबाद के सेक्टर 9 बाजार में सुबह लगभग 9 बजे अज्ञात बदमाशों द्वारा उन पर गोलियां चलाई गईं। इस हमले में चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। विकास चौधरी जिम में आने के बाद अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे, इसी दौरान उन पर हमला हुआ। घटनास्थल से पुलिस को लगभग एक दर्जन गोलियों के कवर मिले। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। अब आपके साथ है दर्जर भोपाली, जो आपको सुनाएंगे भरण समाचार। नमस्कार, भरण समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूं। मैं हूं जर्जर भोपाली। कल्याण भाई, ये मानसून तो अभी तक आया नहीं। कोई एक हफ्ते से लोग बोले अभी आ रही है, आ रही है। मैं अभी स्टेशन से आ रहा हूं, सीधा वहीं खड़ा हुआ था। हर मैं रोज जा रहा हूं 7 दिन से। मैं समझ में नहीं आ रही, मेरे आ कैसे रहे, पैसेंजर से आ रहा है, कैसे आ रहा है। मैं अभी वहाँ बैठा बैठा इंतजार करते करते और फिर मेरे को समाचार पढ़ने, तो मैं इधर आ गया, बता रहे हूँ। अब पता नहीं कब आएगा मानसून। वही देखो, ये कि चेन्नई में इस बार पानी ने किया तेल का मचा है, पानी की कमी हो गई वहाँ भयंकर किस्म की। बता रहे हो बूंद बूंद को तरस गए लोग। और मैं बता रहा हूँ भोपाल वादी हो, पानी वानी ज़्यादा मत फैलाया करो, बता रहे हो। ये संभाल के रखो पानी को। वहाँ से 220 किलोमीटर दूर थे, वेल्लूर थे ना, टैंकरों से पानी लाना पड़ा चेन्नई। ये थी तो हालत हो जाती है, बता रहे हूँ। पानी की इज्जत करो। हाँ भैया, ग्लोबल वार्मिंग तो ऐसी वार्मिंग हो रही है, बता रहे हूँ। टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और न्यूजीलैंड में एक रिसर्च हुई है, वहाँ मगरमच्छों के हमले बढ़ गए हैं, बता रहा हूँ। हमले तो बढ़ेंगे ही भैया, जब पानी कम हो जाएगा। बेचारे कहाँ जाएंगे, निकल के क्या हवा में रहेंगे मगरमच्छ, पानी में रहेंगे। तो ये तो अब चल जाए। और भैया, अमेरिका और ईरान में तो ये ठंडी है, बता रहा हूँ। अभी मुझे तो लगता है अभी आकाश में ये जो मिसाइलें हैं ना, इधर से उधर से ये देखने को मिल सकता है, बता रहा हूँ। ये सब भुनमरा है। इराक से जो युद्ध किया था अमेरिका ने, उस समय जो मिसाइलें देखने को मिली थी ना, वही स्थिति बन रही है, बता रहा हूँ। मैंने समझा लो इनको, पकड़ लो भैया। हाँ, बहुत बुरा हाल हो रही है, बेहतरी गर्मी हो रही है। हाँ भैया, खबर ये सुन लो, मध्य प्रदेश से नीमच की जेल जो है, वहाँ से 4 कैदी फरार हो गए, बताओ। वो 22 फीट ऊँची दीवार कूद कूद के भाग गए। मैं बता रहा हूँ, पुलिस तो दूसरे काम में बिजी है, ये चेकिंग कर रही है, हेलमेट और पैसे वैसे उगा रही है, बता रही हूँ। ये तो चल रहा है, दूसरे लोगों को परेशान कर रही है। ये इनमें लगे वो लोग, ये जो कैदी है उनको तो बचाओ। हाँ, ये खबर देख लो तबादलों वाली। एक मेरे फ्रेंड है, उनका अभी ट्रांसफर हो गया, अधिकारी है, और वो गए भैया सामान वामान पैकिंग करके अपने यहाँ ट्रांसफर हुआ था, वो पहुँचे। वो भैया जहाँ पहुँचे वो फिर दौड़ते हुए उनको घर जाना पड़ा। उनकी बीवी ने पैकिंग वैकिंग खोलना शुरू कर दी। उन्होंने कहा, अरे भैया अभी मत खोलो, रुक जाओ, मेरा दोबारा फिर से ट्रांसफर हो गया। ये तो चल गया है। और न्यूजीलैंड में चुनाव हो रहे हैं भैया, और मैं बता रही हूँ वहाँ पे हैं जो आलती वोटर हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा इंतजाम किया है। आप मॉल जा रहे हो, सुपर स्टोर जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, चर्च जा रहे हो, वहाँ पे एक बॉक्स रख दिए जाएंगे, उसमें अपना वोट डाल दो। ये ऐसा इंतजाम यहाँ भी होना चाहिए, बता रहा हूँ। यह भी बहुत आलतियों की कमी नहीं है, बता रही हूँ। और अफगानी पठानों ने भैया इंडिया वालों को निपटा दिया होता भाई, क्रिकेट मैच में भी नेक टू नेक ऐसा भद गया, पसीने छोड़ गए इनके जीतने में, बता रही हूँ। हल्के में मत लो भैया किसी को, बता रही हूँ। वर्ल्ड कप है ये, हाँ कौन कप चल जाए, क्या चल जाए। अभी अगला मैच हो रही है वेस्ट इंडीज से, लंबे लंबे चौड़े चौड़े हैं, इनको भी हल्के में मत लेना, बता रही हूँ। और अभी विराट कोहली का फोन आ रही है, हमें मेरे को प्रैक्टिस कराने जाना है उनको। तो ये नमस्कार, मैं जा रही हूँ।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।